हम सभी अपने घरों में सुबह शाम भगवान की आरती के साथ में कपूर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, जिसमें कपूर सबसे बेहद और अहम मानी गई है। पूजा के समय कपूर जलाने की प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है। ज्योतिष के अनुसार घर में कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। आज हम जानेंगे कि घर में कपूर जलाने से कैसे मालामाल हो सकते हैं। ज्योतिषाचार्य दयानंद शास्त्री जी के अनुसार कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि देव दोष और पितृ दोष है। ऐसे में आप घर में सुबह शाम रात में घी से भिगाया हुआ कपूर जलाएं और शौचालय और बाथरूम में कपूर की दो दो टिकिया रख दें, साथ ही देव दोष और पितृ दोष का शमन होता है। राहु केतु शनि के कारण ही आकस्मिक घटना या दुर्घटना होती है या नहीं, हम तंद्रा और क्रोध में भी कई बार दुर्घटना का कारण बनते हैं। अगर ऐसे में आप रात को सोने से पहले कपूर जलाएंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा रात को हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी कपूर जला सकते हैं, इसमें भी आकस्मिक घटना की परेशानी से निजात मिलती है।